बोला होगा कि हो गया तुम बहुत मशरूम खा लिए, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तुम कितना भी मशरूम खा लो तुम लाल नहीं लगने वाले हो, अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे लेकिन बनोगे कैसे, विकास का जुमला तो हम फेंक चुके हैं तो तुम क्या करोगे, काट का हाड़ी बार बार चलता नहीं है। तो अमित शाह कहा कि कोई बात नहीं है, फिर से हिंदू मुसलमान कर देंगे। बोला हिंदू मुसलमान करोगे कैसे, 370 भी हट गया है, 3 तलाक भी समाप्त हो गया है, राम मंदिर भी बनने वाला है, तो हिंदू मुसलमान कैसे करोगे। बोला आइडिया है ना हमारे पास, जैसे असम में एनआरसी हुआ है पूरे देश में एनआरसी कर देंगे, हिंदू मुसलमान होने लगेगा। लेकिन एक बात है, जो लोग ज्यादा होशियार बनता है ना, 3 जगह मांगता है, 3 जगह मांग गया, ज्यादा होशियार था कि 3 जगह नहीं 4 जगह मांग गया, पहले गोल में फिर हाथ में फिर नाक में फिर मुंह में, गया आटा खाने के लिए, चूहा जाता है आटा खाने के लिए, आटा खाने के लिए जाएगा और लोल में नक्सी फंस जाएगा, चूहेदानी में चूहा फंस जाता है। इनको लगा पूरे देश में एनआरसी कर देंगे, घोषणा कर दिए। जब ताकत होती है सत्ता होता है तो दिमाग का सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता है, जैसे रावण का दिमाग का सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा था। रावण को लगा कि हमको 10 गो मूड़ी है तो क्या दिक्कत है, हम सीता का हरण कर लेंगे। ये मिथिला है, माता जानकी की भूमि है। बोलिए अगर रावण सीता जी का हरण नहीं करता तो रावण का अंत होता क्या। इसने इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिकों को, उनके नागरिक होने का जो एहसास था वो एहसास थोड़ा थोड़ा दब गया था। ये अपनी कुर्सी के चक्कर में उस एहसास को जिंदा कर दिया है। और आज जब हम जिंदा हो गए हैं तो हम सिर्फ एनआरसी के लिए नहीं, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए भी लड़ेंगे। बोलिए लड़ेंगे। एक बार जो ये माए अपने घर से बाहर निकल गई हैं, सीता जब एक बार लक्ष्मण रेखा पार कर गई हैं, तो सिर्फ एनआरसी के खिलाफ नहीं, गैस सिलेंडर का दाम बड़े बढ़ेगा तब भी लड़िएगा ना। आई स्मृति ईरानी थोड़ी है कि इनको नाटक करना है, अपने हक के लिए लड़ रही है। एक बार जब जनता लड़ने के लिए शुरू हो जाती है, जनता लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो सत्ता का गुरूर जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि अभिमान कैसा भी हो चूर चूर हो जाता है, नशा कैसा भी हो सुबह होते ही उतर जाता है। इनको सत्ता का नशा है, इनको लगा कि हमको 303 सीट आया है, हम जो मन करेगा वो करेंगे इस देश में। इन्होंने अति उत्साह में, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार आदमी गड़बड़ा जाता है। जी जी जी। एक नया नया मोटरसाइकिल सीखेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में हाथ छोड़ करके चलाएगा, हम मुहे भर गिर गए हैं साहब। 303 सीट मिला, बोले पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। इसी बीच आसाम में एनआरसी की लिस्ट जारी हो गई, और आसाम में जब एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आपके कैलकुलेशन से बताइए कि 19 लाख में से कितना लाख हिंदू का नाम बाहर हुआ होगा। 14 लाख। 15 लाख। मामला गड़बड़ा गया जी। 19 लाख में से 15 लाख अगर हिंदू का नाम बाहर हो गया तो हिंदू धीरे सम्राट का चोगा उतर जाएगा ना। जब हिंदू का नाम 15 लाख 19 लाख में से सिर्फ आसाम में बाहर हुआ है, अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो करोड़ों हिंदुओं का नाम बाहर होगा। जी। जब ये बात इनको समझ में आई तो ये सीए का खेल लेकर के आए, ताकि हिंदुओं के मन में ये भरम डाला जा सके कि तुम काहे परेशान होते हो, कि तो मियां जी को ठीक करने के लिए लाए हैं। लेकिन इस कानून का प्रॉब्लम ये है कि अगर कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते आपका नाम एनआरसी से बाहर होगा और आपको लगता है कि आप सीए के तहत नागरिकता ले लेंगे, तो नागरिकता लेने के लिए पहले नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ना साहेब। और जब
नागरिकता छोड़ेंगे तो सिर्फ नागरिकता नहीं छोड़ेंगे, वोट देने का अधिकार भी जाएगा, और वो जो पुश्तैनी जमीन है जिस पे आपका घर बना हुआ है वो जमीन भी जाएगी, बैंक का खाता भी सील होगा। यह बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लड़ाई एक धर्म की लड़ाई नहीं है, सभी धर्म सभी जातियों की यह लड़ाई है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्या है। जब देश का कानून पहले से कहता है कि इस देश में कोई भी आकर शरण मांगेगा तो उसको शरण दी जाएगी, कोई भी इस तिरंगे को अपनाएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी, कोई इस देश के संविधान को मानेगा तो उसको नागरिक बनाया जाएगा, तो ये कानून लाने का जरूरत क्या था, क्या जरूरत था इसका। तो अमित शाह ने एक नया पासा फेंका है। मोटा भाई सभा में जाके बोलता है कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में गैर मुसलमानों का, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी, उसको नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस देश में किसी को भी नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? कोई लोग खिलाफ है क्या? तो कहाँ हम लोग खिलाफ हैं किसी को नागरिकता देने के? हम लोग किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है। सीए के नाम पे, एनआरसी और एनपीआर के नाम पे इस देश के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता का इम्तिहान लेने के खिलाफ है, और इम्तिहान में तुम्हारी गलती की वजह से, सरकार की गलती की वजह से, कागज की छोटी मोटी गलती की वजह से अगर इस देश में किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी तो हम उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कागज हम लोग बनाते हैं कि कागज हमको सरकार बना के देती है? आप लोग अपने घर में वोटर आईडी बनवाए हैं, तो वोटर आईडी जो सरकार बना के देती है तो वोटर आईडी में जो गलती है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं कि सरकार जिम्मेवार है? वोटर आईडी सही होता है? नाम आपका और फोटो आपके बाबू जी का होता है? कितने लोगों का वोटर आईडी पे बर्थ डेट सही लिखा हुआ है? बिहार में लोगों का बर्थ डेट सही बहुत कम होता है, एक तो दो साल अपना एज घटाना होता है। जी जन्मते हैं 85 में सर्टिफिकेट पे 87 लिखते हैं, जन्मते हैं 87 में सर्टिफिकेट पे 89 लिखते हैं। ऊपर से जब एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो गुरुजी पूछेंगे कब पैदा हुए, तो पता नहीं है कि कब पैदा हुए। एक बार हम गए एक जो है अपने पड़ोसी से, जब ये पूरा मामला चल रहा था ऐसे जा रहा था, वो बोले कब पैदा हुए, बोला उस साल बहुत तेज लू चल रहा था। किसी से भी पूछिए कहेगा उस साल भैंसी हमको दो बच्चा दी थी, किसी से कहेगा बड़ी बड़ी जोर बाढ़ आया था उस साल हम पैदा हुए थे, उस साल प्लेग फैला हुआ था तब हम पैदा हुए थे, डेट पता ही नहीं है। कागज की समस्या है ये, और कागज की छोटी मोटी गलतियों के चलते आप इस देश के नागरिकों को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं आपको कहने के लिए आया हूँ कि ये पूरी जो लड़ाई है इसकी दो चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि हम अपने नागरिक होने के अधिकार के लिए लड़ेंगे, और वो अधिकार होने का मतलब ये है कि आपके हाथ में जो ये तिरंगा है और आपके सीने में देश का संविधान चिपकाए हुए हैं, इस तिरंगे को और इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और दूसरा, इस देश के जो आम लोग हैं उनकी जो उनका जो सवाल है रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य का, उसके लिए भी लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग एक नारा दे रहे हैं कि देश की जनता करे पुकार, नहीं चलेगा CNR CNPR, देश की जनता मांगे रोजगार, ये नारा दे रहे हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूँ कि ये लंबी लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, इस लंबी लड़ाई को हमको लड़ना है, और उस लड़ाई का अगला मुकाम है पटना का गांधी मैदान। जब आप पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे, हम बिहार की सरकार को कहेंगे कि आप केरल की सरकार की तरह बिहार की विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास कीजिए, और अगर सरकार रेजोल्यूशन पास नहीं करती है NPR CNR CNPR के खिलाफ, तो हम अपने घरों में सविनय अवज्ञा करके इस काले कानून को नहीं होने देंगे। नहीं होने दीजिएगा तो अपने घरों के बाहर लिखिए कि इस देश में, इस मोहल्ले में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं।